गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल डू ग्राम ग्राम ए शॉर्ट नोट फॉर टू और थ्री मार्क्स इन एग्ज़ाम ठीक है बेटा एग्जाम में दो या तीन नंबर के लिए पूछा जाता है सो अस डू ग्राम तो बेटा ग्राम क्या है व्हाट इज ग्राम ग्राम यू कैन से लाइक दिस ठीक है ना बेटा जहाँ पर लोगों की छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी होती हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं वो ग्राम है In ordinary language, we can say like this this is gram. So, beta, gram is the word which has a lot of meanings. In a math, we use this word for measurement. Even farmers use this word in agriculture. Or, in ordinary language, the meaning of gram is village or gaum, just as the place where the human family is. रिजाइड इज कॉल्ड गाँव यू कैन से विलेज लाइक दिस ठीक है न बेटा छोटी जरूरतें अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो ये सिंपल भाषा में साधारण भाषा में इसको ग्राम बोलते हैं सिमिलर् इन म्यूजिक द रिजाइडिंग प्लेस ऑफ सेवन स्वर इज नोन एज ग्राम ठीक है न सात स्वरों का जो समूह है एज स्वर इज़ क्रिएटेड बाई श्रुति स्वर जो है श्रुतियों से निकलते हैं बेटा श्रुतियाँ मीन्स हमारे पास टोटल ट्वेंटी टू श्रुतीज हैं मतलब बाईस ऐसी आवाजें हैं जिनमें से हमने सात जो है सेलेक्ट की ठीक है ना जिनको हम स्वर बोलते हैं सारे गापादानी इन सेम मैनर ग्राम इज क्रिएटेड बाई स्वर ठीक है ना जो ग्राम है वो स्वरों से क्रिएट होता है देर वॉज ट्रेंड ऑफ ग्राम इन एशियंट म्यूजिक द ग्रुप ऑफ सेवन स्वर बेस्ड ऑन पर्टिकुलर श्रुतीज इज़ कॉल्ड ग्राम अकॉर्डिंग टू चतुष चतु रूल ऑल स्वर आर बेस्ड ऑन 22 टू सो वी हैव बेटा थ्री टाइप ऑफ ग्राम नंबर वन शडज ग्राम मध्यम ग्राम एंड गंधार ग्राम ठीक है ना बाईसियों में से जो आवाज़ें अच्छी लगी सात उनसे हमारा एक ग्राम बन गया सो बेटा थ्री टाइप्स ऑफ ग्राम शडज ग्राम मध्यम ग्राम एंड गंधार ग्राम कुछ डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू पंडित शारंगदेव ग्राम इज सच ए ग्रुप ऑफ स्वर वेयर मूचना इज इंडिपेंडेंटली क्रिएटेड ही हैज़ डिस्क्राइब्ड थ्री टाइप्स ऑफ ग्राम इन हिज बुक और एंड दैट इज कौन से हैं श्राम मध्यम ग्राम गंधार ग्राम बट ही स्पेश मैंश दैट गंधार ग्राम वॉज क्रिएटेड बाई गोड्स सो इट इज़ फाउंड ओनली इन हैवन मतलब वो कहते हैं गंधार ग्राम जो है देवों द्वारा क्रिएट किया गया है और वो हैवन में मिलता है ठीक है और सेकंड मतंग मुनि क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू मतंग मुनि द ग्रुप ऑफ श्रुतिज एंड स्वर हेल्प इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम ही ऑल्सो टेल्स द प्रैक्टिस ऑफ शटज ग्राम एंड मध्यम ग्राम ऑन अर्थ मतलब इनकी सेम लैंग्वेज है सेम डेफिनेशंस हैं ये कहते हैं कि गंधार ग्राम जो हेवन में मिलता है क्योंकि वो गोड्स के द्वारा क्रिएट किया हुआ है ठीक है ना इन द टाइम ऑफ पुण्ड्रिक विठल शडज ग्राम वाज इन प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू हिम ऑक्टेव बिगनिंग फ्रॉम सा वाज शडज ग्राम यानी जो सा से शुरू होगा वो सडज ग्राम और जो माँ से शुरू होगा वो मध्यम ग्राम ठीक है बेटा सो so, इसके बाद वी हैव अ टू चार्ट ऑफ ग्राम मतलब मैंने बताया था आपको वन टू तो ट्वेंटी टू श्रुतीज ये शडज ग्राम का ये देखिए एक से लेकर बाईस तक श्रुतियाँ हैं यानी आवाज़ें हैं अच्छी आवाज़ें उनमें से सात जो बेस्ट थी हमने सेलेक्ट की जो हमारे संगीतज्ञ थे उन्होंने सेलेक्ट की और उसको एक ग्राम बना दिया गया तो बाईस श्रुतियों में ये चौथी श्रुति पर सा सातवीं पर रे नौवीं पर गा तेरहवीं पर मा इसी तरह से ये करते हुए बाईसवीं पे नी ये षड़ज ग्राम का चार्ट है यानी षडज ग्राम में सात स्वर जो हैं वो कौन कौन सी श्रुति पर रखे गए हैं और इसके ठीक नीचे मध्यम ग्राम है बेटा ठीक है ना मध्यम ग्राम में क्या किया गया है इन्होंने तेरहवीं श्रुति से माँ को शुरू किया है ऊपर भी तेरहवीं श्रुति से माँ है लेकिन ऊपर सेवनटीन्थ में जो पा है लेकिन नीचे सिक्सटींथ में पा तो दोनों के जो चार्ट हैं अलग अलग है यानी षडज ग्राम में श्रुतियों पे अलग स्वर है और मध्यम ग्राम में अलग स्वर है। तो बेटा ये जो है ये ग्राम है जो कि दो और तीन नंबर के लिए पूछा जाएगा सिंपल लैंग्वेज है ग्रुप ऑफ नोट्स और यू कैन से रिजाइडिंग प्लेस ऑफ स्वर इज़ कॉल्ड ग्राम ठीक है बेटा ये लास्ट में मैं नोट्स डाल रहा हूँ इनको आप नोट कर लें ठीक है ना ये ग्राम है बेटा जो हमें अभी जो डिस्कस किया अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप डाउट बॉक्स में अपना डाउट लिख देना मैं उसका आंसर जल्दी से जल्दी आपको दे दूँगा तो ये नोट्स हैं बेटा ग्राम के। आपने इसको नोट कर लेना है ये फिर तीन ग्राम जोन से षडज ग्राम मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम जो बताए थे उनकी फिर डेफिनेशंस हैं पंडित शारंगदेव जी के अकॉर्डिंग ग्राम क्या है और अकॉर्डिंग टू मतंग मुनि दोनों ही महान संगीतज्ञ हैं इन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी और उसके बाद जो है ये चार्ट दिए गए हैं चार्ट ऑफ ग्राम